सत श्री अकाल, स्वागत है जी माई वीज़ा अपडेट दे साडे इस खास शो दे विच। अज दे शो दे विच यूके बारे तमाम बरीकी नाल जानकारियां लवांगे, सारियां पॉसिबिलिटीज़ ते चर्चा करांगे ते खास तौर ते वीक स्टूडेंट्स दी भी गल करांगे जिन्हां दे अकैडमिक्स वीक ने या अंग्रेजी दा जिन्हां दा प्रोफाइल वीक है उन्होंने जे यूके एडमिशन लैनी है तो किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा, किहड़ियां चीज़ां ते उन्हां नूं कम करना पैंदा ताकि ईजली वो यूके स्टडी पढ़न का अपना सपना पूरा कर सकन। सो सब तो पहला मैं स्वागत करदा साडे अज दे गैसट ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर, उन्हां दा स्वागत है। थैंक यू जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों ने मेरे वालों सत श्री अकाल। अमरजीत जी, इस तो पहला कि डिटेल च यूके की कली कली गल डिस्कस की जाए, मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप वीक स्टूडेंट्स तो करते हैं जिन्हें फॉर वट एवर रीजन अकैडमिक कई बार वो जो यूके पढ़न जाना चाहते ने तो किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखन, किवें वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। देखो दीपक जी, जो आप वीक स्टूडेंट की गल करते हैं तो वीक जो स्टूडेंट है कई प्रोस्पैक्टिव तो होता है। वीक च वो एजुकेशन तो वीक है, मतलब अपनी द 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, वो परसेंटेज के करके वीक है, या वो कोई भी यूके की इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा वो करके वीक है, या वो गैप्स ज़्यादा ने वो करके वीक है, डिपेंड करता है। तीनों केसा च सोल्यूशन कुछ ना कुछ हो जाते हैं। अकैडमिकली वीक की गल जी बिल्कुल अकैडमिक वीक की गल कर लें, अकैडमिक जी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो अगर आप देखिए तो 60% प्लस टू है। जे बंदा प्लस टू के बेस पर जा रहा हर यूनीवर्सिटी, हर एक यूनीवर्सिटी तो 60% ओवरऑल तो चुकूगी, पर जे 60% तो घट है फिर तो हर यूनीवर्सिटी पिक नहीं करूगी। सेम ग्रेजुएशन का केस है, अगर तुहाडे को ग्रेजुएशन के 55% है तो हर यूनीवर्सिटी तो ऑलमोस्ट एंटरटेन करूगी, बट अगर 55% तो घट है तो तुम उत्थे फिर फर्क था जाने तो उत्थे की सोल्यूशन होंगे। उत्थे अगर तुहाडा ग्रेजुएशन 60% तो घट है तो कई यूनीवर्सिटीज़ तुहानू फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू प्लस टू तो बाद चक लेंदियां ने, और उत्थे दो तरह दा चीज़ां होंदियां ने, एक होंदा फाउंडेशन ईयर और एक होंदा ईयर वन। ईयर वन इज़ बेसिकली फस्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जिहदी पढ़ाई च कुछ थोड़ा जिहा फर्क पाया गया होंदा, पर तुहाडी पढ़ाई सेम 19 सालां दी ही रहिंदी है जिन्नी एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे की रहिंदी है। बट इत्थे जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो 60 तो अगर आप थले जाइए तो 55 चलती है, 55-50 किसी किसी केस च। हुण कई यूनीवर्सिटियां ने जिहड़ियां तुहानू 40% प्लस टू नाल भी एडमिशन दे सकदियां ने, बट उत्थे तुहानू जिहड़ी डिग्री है वो 4 साल की हो जाती है, फाउंडेशन ईयर एक एक्सट्रा नाल जुड़ूगा, तुसीं पहला फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करोगे फिर उस तो बाद ग्रेजुएशन होगी। फाउंडेशन ईयर च की हुंदा? फाउंडेशन ईयर बेसिकली जिहड़ी उहदी कमी है पढ़ाई दे विच रह गई उस कमी नू दुरुस्त करते हैं ताकि वह ग्रेजुएशन करन दे लायक होवे, फिर उस तो बाद उहदी ग्रेजुएशन स्टार्ट होंदी है। सेम जिहड़े मार्क्स बच्चे बैचलर्स है 55% मिनिमम चाहिए, बट जे किसी दे 50 आ गए तो किसी के 50 तो थले भी एक्सैप्ट हो जाते, बट बहुत घट चांस होंगे 50 तो थले एक्सैप्ट होने के, ग्रेजुएशन एक लिमिट है थोड़ी जी। सो इतने जी चीज़ है फिर तो प्री मास्टर प्रोग्राम लगता है, प्री मास्टर तकरीबन 6 to 8 months का होंगे। सो पहला तुम वह प्री मास्टर करते हो जिहड़ा कि ग्रेज मास्टर्स तो थोड़ा ईजी होंगे और जो लैवल है वो हिसाब से सैट करता है, और फिर उस तो बाद मास्टर स्टार्ट होंगी। यदा बेनीफिट आ भी होंगे कि जरूर इस केस फीस बढ़ जाती है, प्री मास्टर की वक्री जाती है, मास्टर्स की वक्री जाती है, बट नाल तुहाडे वीज़े का समा भी बढ़ जाता है। सो तकरीबन 1.5 to 2 years तो लैके 2 साल तक का वीज़ा मास्टर्स वाले केस च मिलता है, और जी फीस है वो एग्जैक्टली 2 साल की नहीं लगती होंगी, वो 1.5 साल के बराबर जो लगती होंगी। सो आ तरीका है जे तुसी अकैडमिकली वीक है। जे तुसी इंग्लिश च वीक है, इंग्लिश हुण क्योंकि अलग अलग तरीके नाल नापी जाती है हर यूनीवर्सिटी दे विच, सो कित्थे चीज़ तुहाडे फेवर च है तुहानू वह देखना है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 5.5 ईच होने चाहिए है, 6 ओवरऑल होने चाहिए, चाहे तुसी प्लस टू है चाहे ग्रेजुएशन। आईलेट्स का स्कोर नहीं है तो वह इक्वलेंट ही PT का स्कोर, उदा इक्वलेंट ही टॉइफल का स्कोर होवे उहदे नाल भी चल जूगा। जे सारा कुछ नहीं है या तुहाडे 6 ओवरऑल नहीं बनते पे, 5.5 ईच आई जाते हैं, 5 ईच आई जाते हैं, तो फिर मेरा एक भी सुजैशन है कि डुलिंगो का टैसट कर लो। बहुत सारिया यूनिवर्सिटी डुलिंगो टैसट अक्सैप्ट कर दियां ने, और डुलिंगो टैसट एक 5.5 बैंड ओवरऑल लैन वाला बच्चा भी हस के क्लीयर कर जूगा, इन्ना को कंफर्टेबल एग्जाम हैगा कि उस बच्चा अच्छा स्कोर ले सकता है। सो दैट इज़ वन डुलिंगो टेस्ट जेड़े स्टूडेंट बिल्कुल असी पर्सनली कराने। देखो ऑनलाइन टेस्ट जेड़ा है डुलिंगो का ऑनलाइन टेस्ट होंदा है, इसलिए जी तैयारी भी है ना असी वो ऑनलाइन ही कराने, साढ़े कोल नहीं आना, क्योंकि जे असी कापी पेपर ना पढ़ावे फिर तो पेपर अटेंड करने प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि वो थोड़ा पेपर अटेंड करने डिफरेंट है ये नालों सो दी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही होगी क्योंकि तुसी वो पेपर नू अटेंड भी ऑनलाइन करना है सो तुसी किसी भी जगह तो हो पंजाब पंजाब तो ब्रीफली जे तुसी एक्सप्लेन कर दो मतलब किन्ने के दिन च रिजल्ट आ जांदा है किवें फाइलिंग हुंदी है ओके देखो ये पेपर का सब तो बड़ा बेनीफिट आया कि ऑनलाइन है सो तुसी कभी भी अटेंड कर सकते हो तुसी हुणे ही ऑनलाइन पेमेंट करो हुणे ही अटेंड कर लो अच्छा मतलब कोई डेट नहीं लगी कोई डेट नहीं कुछ नहीं है ठीक है जी जदों मर्जी रात नू सवेरे दिने जदों मर्जी अटेंड करो रिक्वायरमेंट की है तुहाडे कोल कंप्यूटर होना चाहिए वो चंगा माइक होना चाहिए वो चंगा स्पीकर होना चाहिए वो चंगा कैमरा लगा होना चाहिए प्रॉपरली डिवाइस इंटरनेट ना कनैक्ट होनी चाहिए इंटरनेट विचों टुटना नहीं चाहिए लाइट विचों जानी नहीं चाहिए नहीं तो पेपर डिस्टर्ब हो जूगा ऑनलाइन पेपर है जिदा ही तुम भरोगे तुम पेपर दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम तो 4,000 के आस पास वो फीस है सो किसी तरीके उत्थे भी जी मुश्किल है नहीं आती सो आराम इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट कर सकते नहीं तो कई यूनिवर्सिटियां हूँ जनवरी इनटेक च ने जिहड़ियां यूके वी आई आयल्स एक यूके वी आई आयल्स स्पैशल आयल्स है जिहड़ा यूके गवर्नमेंट दे सपोर्ट नाल चलता उहदा बेनीफिट आया कि उहदे च तुसीं ओवरऑल 5 बैंड ई च 4.5 और कई दे विच 4 भी एक्सैप्ट हो जूगा मतलब यह इन्ना का स्कोर है कि जिहनूं आपां कहीए भी कोई भी बच्चा जिहड़ा एवरेज जी भी इंग्लिश जाणदा वह भी 4.5 का स्कोर लै सकदा है सो वह बच्चा भी फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू फिर एक्सेप्ट हो जूगा मतलब रहिंदा कोई बच्चा नहीं पर मेहनत करनी पौगी यूके वीआई दी जिहड़ी तैयारी हुंदी उह कोई खास तरीके दी हुंदी कित्थों करे बच्चा उह तैयारी देखो यूके वीआई इज नॉर्मल आईएलटीएस एग्जाम फर्क सिर्फ इन्ना उहनूं यूके वीआई क्यों कहा जांदा है क्योंकि वह एग्जाम जलंधर ते चंडीगढ़ हुंदा नॉर्थ की गल करिए पंजाब च इदा ही फिर दिल्ली हुंदा उहदे सिलेक्टेड सेंटर ने कारण की है कि वह जिन्ना एग्जाम है वह वीडियो रिकॉर्डेड हुंदा सो वीडियो रिकॉर्डेड होने के करके यूके वी आई वह घट स्कोर ले लैंदी है सो ता करके कोई मुश्किल नहीं की बट ये जी तैयारी है या एग्जाम का फॉर्मेट है इट्स जस्ट लाइक अ आईएलटीएस एग्जाम नॉर्मल सो दोस्तों डिटेल च यूके दे बाकी एस्पेक्ट भी डिस्कस करांगे मेन टाइम तुसी कॉल भी कर सकते हो अपना परसनल प्रोफाइल डिस्कस करन वास्ते 90-238-90-238 कॉल करके सीधा अमरजीत जी थोड़े सवालों के जवाब देंगे सो अमरजीत जी एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो गैप का गैप वाले स्टूडेंट्स दिए मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा हेलो 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 सत श्री अकाल हाँ जी सत श्री अकाल जी सर लाइव से गल कर रहे हैं जी 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 सर लाइव से गल हो रही है जी पूछो भी की पूछना हाँ जी सर स्पाउस के इस बारे पूछना था जी सर मैं वाइफ ने बीएससी नर्सिंग की हुई है जी बीएससी नर्सिंग की हुई है ओके फाइन जी की हाँ जी हाँ जी तेजा केड़े साल च की है उन्होंने सर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2018 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 62% ਨੇ 62 ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਟੋਇਫਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ 5.5 ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओके भाजी परफेक्टली फाइन फिर तो बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 14,00,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫੀਸ 13 ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 12 ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 14,00,000 ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਗਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ गैप दी गल कर रहे सी गैप यूके च कितना जस्टिफाइड है जिन्हों एडमिशन मिल जाती है ते जे किसी दा उस तो वध होवे फिर हल की हो सकदा
देखो जी गैप जेड़ा आप गल करिए ऑन एन एवरेज अज की डेट से गल करा तो प्लस टू वाले का मैं 2016 पास आउट तक चक सकता है, मतलब 5 साल के गैप नाल। जनवरी तो शायद 2017 रहूगा क्योंकि उदो फिर 5 साल हो जाएंगे, सो 5-1 साल तक का गैप आप रफली जी गल करते हैं। मास्टर्स वाला स्टूडेंट है 8 to 10 साल का गैप भी असं चकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुहानू प्रॉपरली उहदा डेफिनेशनस बनाउणियां पैणियां की कीता है की तुसीं करदे रहे उहदे हिसाब नाल, बट प्रोफाइल असीं चक्कांगे। सो 8-10 साल का गैप यूनिवर्सिटी केस च मास्टर्स लई चक्किया जा सकदा है, 5-1 साल तक का प्लस टू तक चक चुके। प्लस टू वाले वास्ते ज्यादा फ्री सी एक्स ते कोई हल रहिंदा आपां कॉल जी कॉल। हेलो हां जी, सत श्री अकाल जी। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, हां जी पुछो की पुछना चाहंदे हो। सर मैं हरप्रीत कौर बात कर रही हूं जी। हां जी हरप्रीत जी। हाँ जी सर, मैंने ना स्टडी वीजा के बारे में कंफर्म करना था, यूके स्टडी वीजा के बारे में। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? सर मैंने ना बीएससी की हुई है। बीएससी कब की है जी आपने? मैंने सर 2012 में की है। 2012 बीएससी कितने परसेंटेज के साथ की है और किस में की है? बीएससी नॉन मेडिकल, मेडिकल, क्या किया आपने? कंप्यूटर साइंस? सर मैंने ना ये नॉन मेडिकल में की हुई है, बट उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है। okay. फिर बीएससी के बाद मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने ना आईलेट्स भी किया हुआ है। आईलेट्स okay. का मेरे ओवरऑल 6 बैंड हैं। ओके, ईच और एक हाँ जी यूके का कंफर्म करना था सर, मेरा यूके के लिए हो जाएगा पॉसिबल? और यूएसए का दोनों का ही बता दो आप, अगर हो सकता है तो। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर है मुझे ये बताएंगे बीएससी के परसेंटेज कितनी है आपकी? सर मेरी बीएससी की 72% है मेरे मार्क्स हैं जो ओवरऑल। बच्चे आप यूके के लिए भी 100% एलिजिबल हो। यूएस के लिए मुझे थोड़ा सा आपका केस को पर्सनली जब आप आओगे मुझे देखना पड़ेगा कैसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके और कितनी आपकी नॉलेज है, बिकॉज उसकी भी इंटरव्यू 2 मिनट की होती है लेकिन बहुत क्रूशियल सी इंटरव्यू होती है। उसमें प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग हमें बिना देखे 100% फ़ोन पे कह पाना मुश्किल होता है। और अगर आपके पास IELTS 6 हैं तो आई एम होप कि आपका जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट है, सो डेफिनेटली आप यूएस और यूके दोनों ही कर सकोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। सर बाकी मुझे ऐसे है कि दोनों कंट्रीज में जैसे कि मैंने वीडियोस वगैरह भी आपकी देखी थी तो उसमें इंटरव्यू का है थोड़ा सा, तो इंटरव्यू वगैरह मतलब इजीली मतलब मुझे इसकी प्रिपरेशन वगैरह जैसे मतलब कोई टफ तो नहीं होता ज्यादा क्लियर करने जैसे? इंटरव्यू टफ तब होता है जब हमने तैयारी ना की हो, ठीक है जी। सो ब्रॉडवे का सिंपल पैटर्न है, जिस दिन हमारे साथ स्टूडेंट इनरोल होता है, जब उसकी ऑफर लेटर कंफर्म हो जाती है या आ जाती है, तो उसके बाद बकायदा उसकी इंटरव्यू प्रेपरेशंस चलती हैं। डजंट मैटर कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू है या नहीं है, यूके में भी हम ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डील करते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन फिर भी हम एम्बेसी का इंटरव्यू कोई नहीं रोक सकता, तो लेकिन आता चाहे कम है लेकिन हम तैयारी हमेशा उसी पैटर्न पे करवाते हैं। हमारी एक अलग डेडिकेटेड टीम है जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर करती है, ट्रेंड करती है, ठीक है जी। ठीक है सर। सर उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोई अलग से तो नहीं आपका, जैसे क्लासेस वगैरह जैसे होते हैं? ऐसे कोई अलग से कोई फीस नहीं है, कोई अलग से पेड तो नहीं करना पड़ता जैसे मतलब? अगर आपने हमारे साथ अप्लाई किया आपको डेडिकेटेड एक ऑनलाइन क्लास का टाइम मिल जाएगा, उस डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लास में आपके इंस्ट्रक्टर आया करेंगे, वो आपको गाइड किया करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 1-to-1 भी। मैंने वही पूछना था, मेरे अभी जैसे अप्लाई करना है, आईएलटीएस भी है मेरा, डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारा कुछ मेरा रेडी है, मैं अभी कौन सा इनटेक है कमिंग जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? दैट इज जनवरी के लिए हो जाएगा सर मेरा, जनवरी इनटेक के लिए? हाँ जी जनवरी इनटेक लिए थोड़ा हो चुका, तुम आके मिल सकते हैं। ठीक है सर। और सर मुझे नियरेस्ट से यहीं से भी, मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ, जैसे भी कहाँ पे मुझे कंसर्न करना पड़ेगा? आप अम्बाला से कॉल कर रहे हो? आपने कहाँ से कॉल कर रहे हो मैम आप? सर मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ जी। अम्बाला के नजदीक मैम आपको हमारा मोहाली ऑफिस भी है, मोहाली सेक्टर 70 में भी मिल सकते हो। अगर करनाल मिलना चाहते हो तो करनाल भी ऑफिस है, वहाँ भी जाके मिल सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों हुण गल कर लेंदे आ स्पाउस वीज़ा की। अमरजीत जी, स्पाउस वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यूके दे परस्पेक्टिव दे नाल। सो स्पाउस वीज़ा च तुसीं स्टूडेंट्स नूं की गाइड करोगे, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा मेजर? सो अगर तुसीं इंग्लिश च फ्लूएंट हैं तां तुसीं फाइल इकट्ठे लगाओ, क्योंकि फिर इंटरव्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंदी है।
और जे तुसी इंग्लिश बोलनी है फिर मेरी एडवाइस आया कि फिर फाइल नू अलग अलग लाना चाहिए क्योंकि स्पाउस की कभी भी इंटरव्यू नहीं आती और स्टूडेंट के इंटरव्यू के चांस बहुत घट जाते हैं। हैलो सत श्री अकाल जी। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੇ ਫਾਈਲ ਇਕੱਠੀ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਦੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2017 ਦੀ ਵਿੱਚ। 65% ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਸਰ? 65% ਹੈ ਓਵਰਆਲ। 65% ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 70 ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਬੱਚੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਚਲਰਸ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥ ਵਿਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 55% ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 55% ਹੈ ਨਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, 55% ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ UK ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਟੀ ਸਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UKVI IELTS ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 70% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ UK ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕੋਈ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਆ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਏਅਰ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਗਰੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 3ਜਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1500-1600 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 700-800। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 700 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਚ ਚਲਾ ਲੂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 2000 ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90%, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, 90% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਪਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਗਰਲਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले ली दी है महीने लिए या दो महीने लिए यूनिवर्सिटी तो ले लो, फिर महीना दो महीना बच्चा उत्थे रह के फिर अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब नाल जो उन्होंने कंफर्टेबल लगता है वो हिसाब नाल वो इक्के अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लेंदा। एड्डी वड्डी गल नहीं है क्योंकि कंट्रियां बहुत सेफ ने, सो इदां दा कोई वो लोड नहीं होना चाहिए कि मैं कितने जा रहा उत्थे कोई हैगा या नहीं है। स्टूडेंट है इस टाइम तो इन्ना ज़्यादा स्टूडेंट आया भी यूके के प्रेजेंट जो रिजल्ट है वो 10 दिन चाहते होंगे से वो अजकल 15-20 दिन तो चले गए सिर्फ रश के करके। सो स्टूडेंट ही इन्नी वड्डी गिनती हुण जान लग गया। सो मैनू नहीं लगता जनवरी इनटेक लिए किसी भी जगह पर तुम जाओगे तो स्टूडेंट लभना औखा होगा भी जिदे तो अकोमोडेशन एडजस्ट हो सके। सो यह कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। और जोड़े भी कंसल्टेंट को ज़्यादा नंबर ने जिदा असी भी अपलाई करते हैं 100-100 बच्चे का 150-150 बच्चे का हर इनटेक अपलाई होंगे तो उन्होंने किसी बच्चे भी दूसरे बच्चे कनैक्ट करना साढ़े लिए कोई औखा नहीं है क्योंकि हर बच्चे मैं तकरीबन परसनली मिलया होया। हर बच्चा एक दूजे की हैल्प करने तैयार होंगे क्योंकि वह भी बेचारा कई मुश्किलों से निकलिया होंगे अपनी जिंदगी। सो वो कोई वड्डी चैलेंज नहीं होंगे किसी बच्चे एडजस्ट करा पाना। सो दोस्तों उम्मीद है कि अज के शो के बहुत सारे थोड़े सवालों के जवाब मिले होंगे। ब्रॉडवे के यूट्यूब चैनल पर जाके भी तुसी वीडियो सर्च कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट उसके भी कवर किए गए। धन्यवाद। थैंक यू।